सो फ्रेंड्स, तो जंगल क्रूज कई टाइम से अटकी हुई फिल्म है जिसे अब फाइनली क्रिटिक्स को दिखा दिया गया है। और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर जो अपने रिएक्शन ऑनलाइन रिलीज किए हैं उसे सुनने के बाद तो डेफिनेटली मैं भी इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जी हाँ, क्योंकि सभी के सभी क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बिल्कुल भी बुरा नहीं कहा है, बल्कि हर एक क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म की काफी अच्छी तारीफ की गई है कि ये फिल्म आपको एक काफी अच्छे एपिक एडवेंचर पर ले जाएगी जो आपको पुरानी हॉलीवुड की थ्रोबैक ब्लॉकबस्टर फिल्मों की भी याद दिलाने वाली है। और अगर उन फिल्मों की बात करें तो वो फिल्में पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, द अफ्रीकन क्वीन, रोमांसिंग द स्टोन, द मम्मी और इंडियाना जोन्स जैसी फिल्मों की है। जिन सभी फिल्मों को अगर आपने काफी ज्यादा एंजॉय किया है तो क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ये फिल्म आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इनफैक्ट इस फिल्म को अभी से ही एक काफी अच्छी एडवेंचर ब्लॉकबस्टर फिल्म कहा जा रहा है जो आपको जरा सा भी बोर नहीं करने वाली। इनफैक्ट फिल्म के डायरेक्टर जॉमी कॉलेट सारा की भी काफी ज्यादा तारीफ की जा रही है, जिन्होंने डिज्नी को उनकी इंडियाना जोन्स या फिर कह लो फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी सीरीज रेडी कर दे दी है जो कहीं ना कहीं डिज्नी स्टूडियो में पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फिल्म की कमी पूरी करेगी। पर ये बात अब फैंस को काफी ज्यादा बुरी लगेगी क्योंकि कई फैंस का मानना ये भी है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फिल्म को ही ध्यान में रखकर लिखी गई थी, लेकिन बाद में जब फिल्म की कॉन्ट्रोवर्सी हुई तो इस फिल्म की स्टोरी को डिज्नी के दूसरे थीम पार्क जंगल क्रूज पर बेस कर दिया गया। लेकिन अब जो भी हो, रिजल्ट हमारे सामने है और फिल्म की काफी जबरदस्त कास्टिंग भी। और बात रही पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की, तो ना उसकी जगह कोई दूसरी फिल्म भर सकती है और ना ही फैंस के दिमाग से उस फिल्म को हटाया जा सकता है। इसलिए पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन जहाँ पर है वो अब भी वहीं पर रहेगी फैंस की नजरों में भी और उनकी भी, जिन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की फिल्म की सीरीज को देखा है, जिनमें मैं भी आता हूँ। इसलिए जंगल क्रूज फिल्म को मैं एक एपिक एडवेंचर के तौर पर ही देखने वाला हूँ। और अगर फिल्म अच्छी रही तो डेफिनेटली इसके सीक्वल की भी डिमांड निकल कर आएगी ही, जो कि रिव्यू के हिसाब से निकल कर आ ही रही है। साथ ही साथ ये मांग भी की जा रही है अभी से ही क्रिटिक्स की तरफ से कि अगर फिल्म की सीरीज को बनाने की जो प्लानिंग की गई है तो उन सीरीज में कंटिन्यूएशन ड्वेन जॉनसन और एमिली बॉल्ट की रहनी ही चाहिए, जिनकी पार्टनरशिप इस फिल्म में चार चांद लगाती है और हमें एक परफेक्ट एपिक एडवेंचर फिल्म भी देती है। तो अब क्रिटिक्स के रिएक्शन को सुनकर ऑब्वियसली फिल्म के लिए एक्साइटमेंट तो काफी ज्यादा बढ़ भी जाती है, साथ ही साथ उतना ही ज्यादा गुस्सा भी आता है कि ऐसी एपिक एडवेंचर फिल्म हमें अनफॉर्चुनेटली घर पर बैठकर देखनी पड़ रही है, जबकि ऐसी फिल्में थिएटर्स ही डिजर्व करती है। जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर भी।